एक बार की बात है, लाला एक सखी के यहाँ चोरी करने जा रहे थे, इतने में यशोदा मैया देख लेती है। लाला कहाँ जा रहे हुए? बोले मैया मैं गैया चराने जाऊंगो। मैया बोलती है कि लाला इतनो छोटो सो गैया कैसे चराएगो, तेरे पैर में कांटे लग जाएंगे, तू जूतियां पहन के जा। लाला बोलते हैं मैया क्या मेरी पूरी गैया को भी जूतियां बनवा देगी? मैया ने कह दिया लाला क्या पशु भी जूतियां पहनते हैं? लाला को तो बात बहुत बुरी लग गई, गुस्सा होकर बैठ जाते हैं। मैया मैं अब तेरे से कभी बात नहीं करूंगा, मेरी गैयों को तूने पशु बोला। अरे मैया तू नहीं जानती क्या, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा अपनी माँ का दूध पी के बड़ा होता है, और जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो मैया का दूध पिलाना बंद कर दिया जाता है, और उसके बाद पूरी जिंदगी भर गौ माता का दूध पीते हैं। और मैया तू ऐसी गौ माता को पशु बोलती है? मैया तू कान पकड़, आज के बाद गौ माता को पशु नहीं बोलेगी। मैया ने कान पकड़ लिए, लाला तुम सही कहे हैं, आज के बाद मैं गैया को पशु नहीं बोलूंगी। और भगवान चले जाते हैं। अब देखिए वहाँ पर गोपी मटकी लेकर जा रही है, गोपी मटकी लेकर जा रही है, भगवान धीरे से उस गोपी को देख लेते हैं। भगवान कहते हैं अरे गोपी नेक माखन मोकू दे दे। गोपी कहती मैं नहीं दूंगी, नंद राय जी के यहाँ माखन की कमी है क्या? गोपी कहती मैं नहीं दूंगी माखन। लाला बार बार मांगते हैं, गोपी कहती नाच के दिखाओ कन्हैया तो माखन दूंगी। लाला नाचने लगते हैं, लाला नाच रहे हैं, गोपी माखन दे दे। देखिए तीनों लोगों को नचाने वाले त्रिलोकी नाथ छोटे से थोड़े से माखन के लिए गोपियों को नाच कर दिखा रहे हैं। छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे, भगवान कृष्ण छचिया भरी छाछ पर नृत्य कर रहे हैं कि गोपी थोड़ा सा माखन दे देगी। गोपी खुश होकर माखन थोड़ा सा दे देती है, भगवान खा लेते हैं माखन। बोलिए माखन चोर भगवान की, एक जगह छुप जाते हैं। गोपी माखन लेकर वृंदावन से मथुरा की तरफ माखन बेचने जा रही है, भगवान छुप कर बैठे हुए हैं। जैसे ही अकेला देखा गोपी को, उन्होंने धीरे से पत्थर मटकी में कंकरिया फेंकती, मटकी गिर जाती है नीचे। अब सखी बहुत दुखी होती है, लाला तूने मेरी मटकी क्यों फोड़ दी? अरे तुमको पता है ये माखन से ही मेरो परिवार चले हैं,
अब सखी घर चली जाती है। यह दृश्य यशोदा मैया देख रही थी। यशोदा मैया ने कन्हैया को बुलाया और कहती है, लाला तू गोपियों की मटकी क्यों फोड़ता है? तू गोपियों की मटकी फोड़ देता है, उनका माखन चुरा कर खा जाता है। अरे तुझे पता है गोपियों का उसी माखन से ही परिवार का पालन पोषण होता है। कन्हैया तेरे घर में क्या माखन की कमी है जो तू उन गरीब गोपियों की मटकी फोड़ देता है, उनका माखन खा जाता है? कान्हा कहते हैं, मैया आज के बाद मैं चोरी करने नहीं जाऊंगा। मैया गले से लगा